तो देखो पहले, अब मैंने पूरा इवेंट बता दिया है पहले के वीडियोस में कि जेनेसिस का पूरा इवेंट क्या है। अब मैं सारे इवेंट को समराइज़ कर रहा हूँ उस साइट के लेवल पे। मैं केवल उस साइट के बारे में डिस्कस करूँगा कि उस साइट का फेट क्या है एक्चुअली, है ना। तो मान लो ये एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम हमने रखा, इसका नाम क्या रखा हमने, प्राइमरी साइट। ये प्राइमरी साइट है जो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। और प्राइमरी साइट मैंने कहा था कि बर्थ के बाद जो प्राइमरी साइट या बर्थ के पहले भी जो प्राइमरी साइट प्राइमोर्डियल फॉलिकल में रहता है, उस प्राइमरी साइट में मियोसिस फर्स्ट का पार्ट स्टार्ट हो चुका होता है, लेकिन ये रुका रहता है, ये स्टॉप हो जाता है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। तो प्राइमरी साइट के अंदर मियोसिस वन स्टार्ट तो हो चुका है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही है। क्लियर। अब आप जानते हैं कि प्राइमरी साइट में कंप्लीशन ऑफ क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट। तो अगर प्राइमरी साइट में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो, और याद रखना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के लिए किसी तरह का एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है ना। ये सेल्फ एक इंटरनल मैकेनिज्म है बॉडी का कि प्यूबर्टी के बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा फीमेल्स में, तो एक हर मंथ में पर्टिकुलर प्राइमरी साइट में मियोसिस फर्स्ट क्या होगा, कंप्लीट होगा। हार्मोनल चेंजेस की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। तो बॉडी का जो इंटरनल मैकेनिज्म है उसकी वजह से मियोसिस फर्स्ट का क्या हुआ, कंप्लीशन। अब सोचो जो प्राइमरी साइट में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ था बर्थ के पहले, उसे कंप्लीट होने में कितना लंबा टाइम लग रहा है। ये कंप्लीट होगा तो देखिए यहाँ पर आप देखिए दो तरह के आपको सेल्स मिलेंगे। ये एक इरेगुलर मियोसिस है, क्या बोलते हैं इसको, जैसे इरेगुलर मेयोसिस कहा जाता है। तो दो सेल्स यहाँ बने, इसमें जो ये है लार्ज साइज सेल, इसका नाम है सेकेंडरी ओसाइट और इसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल है, 23 क्रोमोसोम्स यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पोलर बॉडी फिर बना क्यों, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो पोलर बॉडी के बनने के या इरेगुलर मियोसिस होने के क्या क्या फायदे क्या है, देखिए। तो आप जानते हो कि ह्यूमंस बॉडी में जो जायगोट डेवलप होगा उसका एक बेसिक जो पूरा मैकेनिज्म है, उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इनिशियल ग्रोथ ऑफ जायगोट के लिए, वो तो सेकेंडरी साइट से ही मिलेगा। क्योंकि मेल के स्पर्म से क्या जा रहा है, इधर एक्स और वाई क्रोमोसोम और एक सेंट्रियोल। आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्मिक पार्ट तो एंटर नहीं कर रहा एक के अंदर स्पर्म से, तो सेकेंडरी साइट के अंदर का जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है यही तो एक इनिशियल एक रिजर्व पार्ट कह सकते हैं, जिसकी वजह से जायगोट क्या होगा, डेवलप करेगा। तो इरेगुलर मियोसिस है ये, क्रोमोजोम का तो इक्वल डिवीजन हो गया बट साइटोकाइनेसिस का इवेंट एक जैसा नहीं होता है, वो इरेगुलर हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है। तो एक बड़े साइज का सेल्स बनेगा और एक छोटा बनेगा टू रिटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इक्वल डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम्स फर्स्ट सिग्निफिकेंस एंड सेकेंड इज अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर। तो दो सेल्स बने, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी साइट। और अभी जानते हैं कि सेकेंडरी साइट में मियोसिस टू स्टार्टेड स्टार्ट्स बट अगेन पॉज्ड एट मेटाफेज सेकेंड, रुक गया वो। और टर्शरी फॉलिकल में ही मैंने कहा मियोसिस टू स्टार्ट हो चुका होता है लेकिन वो रुक जाता है मेटाफेस टू में। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये यह है कि इसके आगे क्या हुआ। अब थोड़ा सा टाइम बता दूँ आपको,
कि ये जो पूरा टाइम है इसका एक रेंज है. अगर ह्यूमंस की बॉडी की बात करें तो 11 ईयर से या 12 ईयर से स्टार्ट हो गया ये प्रोसेस, और ये 45 टू 50 ईयर्स तक भी जा सकता है. मतलब मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने का जो मिनिमम टाइम है वो मिनार्क वाला पार्ट होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन है ये मेनोपॉज तक जाएगा, जो लास्ट मतलब 45 टू 50 ईयर्स के बीच में आता है ये. तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट या मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट होने में मिनिमम और मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है, तो ये 11-12 साल तक. अगर मैं रेफरेंस पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करूँ कि जब से बना, या तो ये वाला पार्ट. अब ये अलग अलग देखो, हर मंथ में ये एक देखिए ऐसे जा रहा है. तो अगर ये आप यहाँ से इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं कि यहाँ पर प्राइमरी साइट में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, रुका हुआ था ये, तो इसको कंप्लीट होने में 11 साल भी लगता है, 12 साल भी होगा, 13, 14, 15 भी होगा, 20, 25 भी होगा, एंड सो ऑन. तो ये पूरा आप ऐसे रेंज बता सकते हैं, ठीक है. इसके बाद अब इस सेकेंडरी साइट को अगर एग का एक्टिवेशन मिलेगा, सॉरी स्पर्म का, ये एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ है, इसने इसको एक्टिवेट किया, एक्चुअली इसको एग एक्टिवेशन भी कहा जाता है. तो स्पर्म के एक्टिवेशन की वजह से एग के साइटोप्लाज्मिक पार्ट में कुछ साइटोप्लाज्मिक चेंजेस भी है, कुछ प्रोटीन्स का स्ट्रक्चरल पार्ट कुछ ब्रेक करता है, कुछ सिंथेसाइज भी होता है. जैसे पढ़ेंगे आप कि एक टर्म यूज करते हैं यहाँ पर, ब्रेकडाउन ऑफ एमपीएफ एंड टर्न ऑन ऑफ एपीएफ. एमपीसी होता है एक्चुअली, एपीसी एंड एमपीएफ. ब्रेकडाउन ऑफ मेटाफेस प्रमोटिंग फैक्टर एंड टर्न ऑन ऑफ एनाफेस प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं. ये एग के साइटोप्लाज्मिक पार्ट में हुआ जब एग ने स्पर्म ने क्या किया, इसको एक्टिवेट किया, तो वो अपने मेटाफेस के आगे अब कंटिन्यू करेगा. तो अगर मेटाफेस के आगे वो स्टार्ट हुआ, तो देखो अब जो सेकेंडरी साइट ये वाला पार्ट है, यहां से फिर दो इरेगुलर साइज के सेल्स बनेंगे. देखिए इसमें से ये जो बना, अब इसका नाम क्या है, इसे कहते हैं ओटिड, और इसे कहते हैं सेकेंडरी पोलर बॉडी. ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड. और अगर अगर यहां पर मान लो ये फ्रेट्स बना दिया मैंने पोलर बॉडी का स्ट्रक्चर, अगर इस फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये कोई जरूरी नहीं होता कि फर्स्ट पोलर बॉडी में भी मियोसिस टू हो ही जाए, अगर फर्स्ट पोलर बॉडी में भी मियोसिस टू कंप्लीट हो गया, तो इस पोलर बॉडी से फिर देखो यहां से भी फिर दो आपको इक्वल साइज के पोलर बॉडी बनेंगे. ये फर्स्ट से दो और बन गया, और ये क्या है बताओ, इसका नाम भी वही है, इसे भी कहते हैं क्या, इसे भी सेकेंडरी पोलर बॉडी ही कहा जाता है. तो ये जो पूरा आप इवेंट देख रहे हैं कि स्पर्म के मिलने के बाद ये सारा चीज हुआ है, तो रिजल्ट क्या है, या तो एक ओटिड और दो पोलर बॉडी बनेगा. देखो ये वाला और ये वाला, अगर इसमें मियोसिस नहीं हुआ तो ये रह जाएगा, ये रह जाएगा. तो रिजल्ट क्या है, आप देखिए रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है वन ओटिड प्लस टू पोलर बॉडी, दिस वन एंड दिस वन. और अगर ये मियोसिस टू इसमें भी हो गया तो क्या होगा, वन ओटिड प्लस थ्री पोलर बॉडीज.
तीन कहने का मतलब ऑल द थ्री मस्ट बी सेकेंडरी पोलर बॉडीज, और अगर दो कह रहे हैं आप तो उसमें एक प्राइमरी होगा और एक क्या होगा, सेकेंडरी होगा, और ये सभी हैप्लॉइड सेल्स हैं, ये सभी हैप्लॉइड सेल्स होता है। अब अलग अलग एनिमल्स में डिफरेंट फिट है, जैसे कहते हैं ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो मोस्टली मैमल्स में कहीं पर तीन पोलर बॉडी की बात भी करते हैं, कहीं दो की भी बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स में मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम दो पोलर बॉडी की ही बात करते हैं, मतलब ये है कि प्राइमरी पोलर बॉडी में जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उसमें मियोसिस टू कंप्लीट नहीं हुआ, वो बीच में रुक जाता है, क्योंकि उसका कोई फर्दर सिग्निफिकेंस भी नहीं है। फर्स्ट पोलर बॉडी का बनना जरूरी होता है, उस पोलर बॉडी का बाद में क्या फेट है इट हार्डली मैटर्स, उसका कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं होता, है ना। और याद रखना कि यही ओटिड जब फर्टिलाइजेशन वाले स्टेज में आएगा, फर्टिलाइज्ड एक को ही हम, या फर्टिलाइज्ड कंडीशन में जो एक तैयार होगा फर्टिलाइजेशन जस्ट पहले, वो ओवम बन जाता है, ठीक है। अब ये बताओ जैसे इसको तो कंप्लीट होने में टाइम कितना लगा, 11 12 साल से लेके 45, और ये तो होता ही है, ये तो होना ही है, ये तो होना ही होता है, इसमें फर्दर किसी तरह का एसेस रिक्वायरमेंट तो है नहीं, लेकिन क्योंकि वो इंटरनल सिस्टम है, बट आप जानते हैं कि जो मियोसिस टू का इवेंट है वो तो फेलोपियन ट्यूब में पूरा हो रहा है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी की बात करें तो, है ना, और उसके लिए स्पर्म का मिलना क्या जरूरी है, और ये ज्यादा टाइम नहीं होता। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में अगर पूछा जाए कि कितना टाइम है, इस सेकेंडरी साइट के पास कितना टाइम है मियोसिस टू कंप्लीट करने के लिए, तो ये टाइम ह्यूमन बींग्स में नॉट मोर देन 6 to 24 hours, 6 से 24 घंटे के अंदर अगर स्पर्म को, स्पर्म ने एक को एक्टिवेट कर दिया तो मियोसिस टू होगा, अगर स्पर्म नहीं मिला तो इसी स्टेज में सेकेंडरी साइट खत्म हो जाता है। तो मियोसिस टू का कंप्लीट होना पूरी तरह से स्पर्म के एक्टिवेशन पे डिपेंड करता है। मियोसिस वन तो कंप्लीट वैसे ही हो जाएगा, बट मियोसिस टू कंप्लीट तभी होगा जब उस एक को, सेकेंडरी साइट को स्पर्म का क्या मिलेगा, एक्टिवेशन, एंड दैट हैपेंस इन फेलोपियन ट्यूब, एंड दैट्स व्हाई ऐसा लिखा जाता है कि ओवुलेशन के बाद अगर फेलोपियन ट्यूब में एक आ चुका है और स्पर्म वहां अवेलेबल नहीं है तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन काफी कम हो जाते हैं। द बेस्ट चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज व्हाट, इफ द इनसेमिनेशन अकर्स 2 days बिफोर ओवुलेशन, मतलब स्पर्म अगर 2 दिन पहले रिलीज हो गया है कहां, वजाइना वाले पार्ट में, तो स्पर्म में अब कैपेसिटेशन का इवेंट होता है, फिर वो पहुंचेगा फिलोपियन ट्यूब तक, तो 2 दिन पहले अगर इंसेमिनेट किया गया है तो बेस्ट चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन है। अगर मान लो ओवुलेशन हुआ और उस समय ही इंसेमिनेशन किया जा रहा है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि एक की लाइफ बहुत ज्यादा नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ये पूरा एक समरी है किसका, बताओ, वो जेनेसिस का। और जैसे ओवुलेशन मैं बता दूं एनिमल्स में पूछा है कि ये जो ओवुलेशन आप कह रहे हैं कि ओवुलेशन है क्या, मैंने बताया कि ये सेकेंडरी साइट का बाहर निकलना होता है, तो ओवुलेशन जो एनिमल्स में हो रहा है, कुछ एनिमल्स में स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन होता है। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब उसको किसी तरह का एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं चाहिए, चाहे रैट है, चाहे माइस है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स की बात भी करेंगे, तो वो स्पॉन्टेनियस ओवुलेटर है, मतलब ओवुलेशन होने के लिए किसी तरह का एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं है। बट कुछ एनिमल्स में जैसे कैट वगैरह में कहते हैं, इवन रैबिट वगैरह में होता है, वो इंड्यूस्ड ओवुलेशन करता है, उसको रिफ्लेक्स ओवुलेटर भी कहते हैं, मतलब जब तक मेल कोपुलेट नहीं करेगा, बिना मेल के कोपुलेशन के, कोइटस के, ट्रिगर नहीं होता, ओवुलेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे कैट वगैरह में कहते हैं, कैट वगैरह में क्या होता है कि 2-4 बार मेटिंग के बाद ही, इवन सिमेन के जो प्रोटीन्स होते हैं ये भी ओवरी को इंड्यूस करता है ओवुलेट करने के लिए, तो वो एक इंड्यूस्ड ओवुलेटर है, समझ में आ रहा है। तो ओवुलेशन ह्यूमन बींग्स में, मंकी में, इवन रैट में, माइस वगैरह में, ये एक स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन है,
लेकिन कुछ एनिमल्स में ये इंड्यूस्ड ओवुलेशन होता है, बिना कोइटस का ओवुलेशन पॉसिबल नहीं होता। क्लियर? तो ये है पूरा समरी ऑफ हु जेनेसिस। अब मैं इसको लिंक कर रहा हूँ कि मेस्ट्रुअल साइकिल में जो ये जो पूरा चेंजेज हुआ उसका पूरा क्या सिस्टम है, जस्ट एक डायग्राम के थ्रू मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ऐसे जैसे मान लो ये एक रफली मैंने बताया आपको कि मान लिया जाए ये मेस्ट्रुअल साइकिल का पूरा एक ड्यूरेशन बताया मैंने आपको, ये 1, 5, 14 और ये लिखा मैं 28। क्लियर? और आप जानते हैं ये एक्चुअली मेस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस नहीं कर रहा है, मैं जस्ट आपको रिलेट कर रहा हूँ यूजेनेसिस का क्या रिलेशन है मेस्ट्रुअल साइकिल के साथ। तो ये आप जानते हैं ये 1 to 5 days का जो पार्ट होता है जिसको ब्रीडिंग फेज कहते हैं, एक्चुअली इसको मेस्ट्रुअल फेज भी कहा जाता है। इसी फेज में क्या होता है, देखो बहुत सारे जो प्राइमरी फॉलिकल हैं, लगभग 20 to 25 जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, ये ग्रोथ फेज में क्या होता है, एंटर करता है। कब? एक तो फीमेल्स में क्या चल रहा है, ब्रीडिंग फेज चल रहा होता है, और उसी समय 20 से 25 प्राइमरी फॉलिकल ग्रोथ फेज में क्या हुआ, एंटर हुआ। और ग्रोथ फेज में एंटर होने के बाद देखो इसमें से कुछ जो प्राइमरी फॉलिकल है, आप जानते हैं ये जो पूरा 5 to 14 days का पार्ट होता है इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं, ओवुलेशन के पहले का टाइम है इसको फॉलिकुलर फेज कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ प्राइमरी फॉलिकल इस तरह से क्या हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और यही सेकेंडरी फॉलिकल फिर क्या बना, स्ट्रक्चर कॉल्ड टर्सरी फॉलिकल, और यही टर्सरी फॉलिकल फिर यहां पर देखिए ऐसे एक मैच्योर डेफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ। मतलब ये नंबर 20 से 25 था और फाइनली एक क्या बना, डेफिन फॉलिकल। और अगर मान लो यहां पर मैं बता रहा हूं ऐसे, ये है स्ट्रक्चर ऑफ क्या, फेलोपियन ट्यूब। तो जो स्ट्रक्चर अब इसमें बाहर आ चुका है ये तो सेकेंडरी साइट का स्ट्रक्चर है, एंड दैट इज कॉल्ड इवेंट ऑफ ओवुलेशन। और जो स्ट्रक्चर अब ओवरी में रह गया, देखिए ये सब तो ओवरी के अंदर ही था, जो स्ट्रक्चर अब ओवरी में रह गया, देखो पहले ये एक ब्लड फिल्ड ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, देखो क्योंकि थीका का वॉल रप्चर करता है तो ब्लड एक इनर पार्ट में एक्युमुलेट कर गया, इसे कहते हैं कॉर्पस हेमरेजिकम। और यही पार्ट कन्वर्ट होता है एक हॉर्मोन सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर में जिसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अगर मान लो ये 24 या 25 डेज का ये पार्ट है, इस दौरान तक 24 से 25 डेज तक भी अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुआ, देखो इतने समय तक ल्यूटियम भी यहाँ रहता है इस उम्मीद में कि जायगोट बन गया होगा और वो इम्प्लांट होने के बाद प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए ल्यूटियम अभी तक यहाँ पर है। बट अगर इस दौरान तक, इस टाइम तक भी यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट नहीं हुआ तो हार्मोनल इंडक्शन की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये जो ल्यूटियम है ये यहाँ पर अब देखो ये स्ट्रक्चर थोड़ा रिग्रेस करेगा और फाइनली
ये इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया जिसका नाम कॉर्पस एल्बिकेंस है। और जैसे ही 20 डेज खत्म होगा क्या होगा बताओ, फिर अगले मंथ में वही इवेंट है, फिर से वही जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं उसका ग्रोथ क्या होगा, वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रेगुलर फिनोमिनन होता है जो चलता रहता है। लेकिन अगर मान लो कि फर्टिलाइजेशन इस फेज में हो गया तो ल्यूटियम डिजनरेट नहीं करेगा, और ल्यूटियम डिजनरेट नहीं करेगा तो अगले मंथ का जो ब्रीडिंग फेज है वो भी स्टार्ट नहीं होता। समझ में आ रहा है ना? ये जस्ट, ये इट इज नॉट अबाउट द मेस्ट्रुअल साइकिल, ये जस्ट मैंने रिलेट किया मेस्ट्रुअल साइकिल को यूजेनेसिस के साथ ह्यूमन बॉडी में। तो मैंने कहा कि ये फर्स्ट 5 डेज है जिसको आप मेस्ट्रुअल फेज या ब्रीडिंग फेज भी कहते हैं, है ना, इसको डिस्ट्रक्टिव फेज भी कहते हैं, जो यूट्रस का वॉल यहाँ टूटता है। फिर बीच में ये फॉलिकुलर फेज है जिसको प्री ओवुलेशनरी फेज भी कहते हैं, जिसमें फॉलिकल ग्रो करता है बेसिकली। और आप जानते हो कि 14 डेज पे क्या होता है, इसको ओवुलेशन का टाइम कहा जाता है। 14 डेज पे क्या हुआ, ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन के बाद सेकेंडरी साइड फिलोपियन ट्यूब में आता है, ये फिलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर है। और उसके बाद 14 से 28 डेज का ये पूरा जो टाइम होता है इसको सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं, इसको ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। और इसी ल्यूटियल फेज में आप देखिए जो कॉर्पस ल्यूटियम है इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ प्रेगनेंसी अकर्स, और ये हर मंथ में चीजें रिपीट होती हैं, है ना। तो 20 से 25 या कई बार 25 से 30 भी नंबर लिया जाता है, ये तो हर मंथ ग्रोथ में एंटर कर रहा है ना, बट बनता तो एक ही ग्रेफियन फॉलिकल है। तो यहां भी क्या हुआ, फॉलिकुलर डिजनरेशन। तो यहां भी क्या हो रहा है बताओ, यहां भी हम टर्म यूज कर सकते हैं क्या, लेटरेसिया। तो ये मैंने रिलेट किया ओजेनेसिस को विद डिफरेंट यू नो पार्ट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये सभी चेंज हॉर्मोन्स की वजह से होता है ना, ये सारा जो चेंजेस देख पा रहे हैं ये हॉर्मोन्स की वजह से है। अब ये हॉर्मोन्स किस तरह से इस पूरे पार्ट को इन्फ्लुएंस करेगा ये अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसको हम कहते हैं इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट द इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल।